हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा पर स्वास्थ्य मेला आयोजन कर सैकड़ों लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा का वितरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा केंद्र परिसर में शनिवार को आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों को मरीजों का उपचार एवं निःशुल्क दवा का वितरण हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि ANM सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं पार्टी कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाएँ, जिससे जनमानस के आखिरी पायदान के व्यक्ति तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां बड़े बड़े निजी अस्पताल के संचालक अपना अस्पताल बंद कर दिए थे, वहीं हमारे सरकारी चिकित्सकों की टीम अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा में जुटी रही। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मऊरानीपुर विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ एवं ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्या, जिला महामंत्री अरुण सिंह तोमर, डिप्टी CMO डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर उत्सव राज, जिला प्रतिनिधि बीरेंद्र नायक रहे। मऊरानीपुर विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, इसका लाभ सभी लोगों को मिलकर जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वहीं डिप्टी CMO डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि मेले में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल पर जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई बीमारी संबंधित शिकायत हो, वे चिकित्सकों से परामर्श लेकर निःशुल्क दवा ले सकते हैं। वहीं बंगरा ब्लॉक प्रमुख भारती आर्या ने कहा कि बंगरा ब्लॉक को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, उसका श्रेय पार्टी पदाधिकारियों सहित क्षेत्रीय जनता को जाता है। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोजन में गंभीर रोगों का इलाज एवं दवाएं जनता को फ्री दी जा रही हैं। इस तरह के आयोजनों से गरीब जनता को स्वास्थ्य संबंधी बहुत लाभ मिलता है। भाजपा जिला महामंत्री अरुण सिंह तोमर ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना है। गरीब से गरीब व्यक्ति को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी निःशुल्क हो जाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अम्बरीश खरे एवं भगवान दास भास्कर ने सम्मिलित रूप से किया। मेले में कोविड से बचाव संबंधी जानकारियों के साथ साथ सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, लीवर दमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, शुगर, आँख आदि की जांच की गई। मेले में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शशि ओझा को एवं उनकी टीम को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन में खाद्य सुरक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण एवं शहरी विकास विभाग, विकलांग कल्याण विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही आयुष्मान योजना के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर वैभव पुरोहित ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए मेले से जनमानस को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। आयोजन के अवसर पर भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य कुंज बिहारी गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेश स्वानी, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, मनोज ओझा, मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह गौर, मंडल मंत्री कपिल गुप्ता, बंगरा ग्राम प्रधान गिरीश कुमार घोष, हरदेव सिंह दाऊ, प्रधान पलरा सुदीप सिंह, दीनू राजा, भीम प्रताप सिंह, नरेश गुप्ता, रामदास आर्य, डॉक्टर वैभव पुरोहित, डॉक्टर मनोज निरंजन, डॉक्टर कृष्णकांत साहू, डॉक्टर नवनीत बंसल, डॉक्टर पवन परिहार, डॉक्टर रॉबिन्सन तिवारी, डॉक्टर इंदुवाला गुप्ता,
डॉक्टर निधि तिवारी, फार्मासिस्ट भारत सिंह, दुष्यंत राजपूत, आशीष वाजपेयी, ENM शांतम्मा, मालती देवी, अर्चना सेंगर, आशीष गुप्ता, विजय गुप्ता, अम्बरीश खरे, परमानंद, सुरेंद्र अहिरवार, अर्चना सिंह चौहान, सरोज गुप्ता, अरविंद, मनोज दुबे, अनीता देवी, ललित गोयल, मास्टर जुगल किशोर, तुलाराम अहिरवार, अखिलेश घोष, मनीष सोनी, संतोष अहिरवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शशि ओझा, लली सोनी, स्वराज सिंह, अरोड़ा सिंह, संगीता साहू सहित आशा बहुएं एवं क्षेत्र के सम्मानित प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बंगला से संवाददाता प्रदीप सिंह गौर के साथ अमित सोनी की खास रिपोर्ट।